बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन के एसएसटी पाक यानी पाक स्टडीज़ ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 2 के सवाल जवाब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बेटा, इन सवालात के जवाबात के सिर्फ मैं आपको निशानात लगवाऊंगी। कोशिश कीजिएगा कि हमारे स्कूल में तो टीचर्स ने इस तरह ये सवालात कराए हैं, अगर आपके स्कूल में कुछ टीचर ने तब्दीलियाँ की हैं तो प्लीज़ दोनों को मिला के आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको जवाबात मार्क कराए हों वो जो है ना आपकी टीचर से के ख्याल से ताल्लुक़ रखते हों। आप अपने उस्ताद से मशवरा भी कर सकते हैं और चाहे तो ये सवालात के जवाबात भी लिख सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको पूरे नंबर देगा। हमारे स्कूल के जिन बच्चों ने, हमारे एसएसटी के टीचर्स ने जो ये सवालात के जवाबात लिखवाए थे, माशाल्लाह बच्चों ने 50 में से 50 मार्क्स लिए। पिछले 2 सालों में जो हमारे मार्क्स नंबर आते रहे हैं एफबीआईसी में 48, 50, 49, 45 अबव, तो इंशाल्लाह ताला आप भी अगर इसी तरह याद करेंगे तो आप लोगों के भी पूरे नंबर आएंगे। शुरू करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ माई मिक्स प्लेट के चैनल पर जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन करें तो आपको हर चीज़ अलग-अलग पोर्शन, हिस्सों में या नाम के हिसाब से मिल जाएगी। उससे खुद भी फ़ायदा उठाएँ और दोस्तों और साथियों में भी शेयर करें, क्योंकि इल्म हासिल करना और बांटना दोनों नेकी का काम है। कुछ पूछना हो तो बिला झिझक आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करूंगी। शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है जमात नहम की, पाकिस्तान स्टडीज़ का, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मैं उसके आपको निशानात लगवा दूं, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के। शॉर्ट क्वेश्चन पहला है, देख लें, व्हाट वाज सर सैयद एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका जवाब का निशान लगा लें सब बच्चे। पेज नंबर 14, यहाँ से इसका शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब शुरू होता है, सेकंड लास्ट लाइन। पेज नंबर 14 जहाँ पे आपके चैप्टर का नाम है, वहाँ से सेकंड लास्ट लाइन आपका जवाब शुरू होता है शॉर्ट क्वेश्चन 1 का। और पेज नंबर 15 के यहाँ पे कैपेबिलिटी पर ये ख़त्म होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। निशान लगा लिया आप लोगों ने, शाबाश। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिमला डेपुटेशन। अब इसका आंसर मैं आपको निशान लगवाती हूँ, इसका नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर 15 का। आप देख लें ऊपर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ का, यहाँ से शिमला ऑन अक्टूबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका निशान लगा लें या ये यहाँ तक भी लिखेंगे तो ये आपका ये सही होगा, यहाँ तक लगा लें निशान। गुड, शाबाश। अब नंबर 3 पे आते हैं, नंबर 3 पे। नंबर 3 है, व्हाट वर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। अब इसका मैं जवाब आपको बताती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 15 आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब का, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जवाब है। जल्दी से निशान लगा लें, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 15 पाक स्टडीज़ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक जवाब है, ठीक है। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिल्ली कन्वेंशन। इसका मैं आपको जवाब बता देती हूँ जल्दी से, इसका जवाब पेज नंबर 20
यहाँ से लेकर पेज नंबर 20 के बिल्कुल एंड से शुरू होता है ये पूरा पैराग्राफ, और फिर उसके बाद पेज नंबर 21 के यहाँ तक ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो इसका जवाब मार्क करते जाएं, तो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। शाबाश। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो 5 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जिना गांधी टॉक्स। इसका मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 19, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ टीचर्स यहाँ से शुरू करती हैं और यहाँ तक, और कुछ जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक, आपको जो इजी लगे इनमें से यहाँ से यहाँ तक लिखना चाहें या यहाँ से यहाँ तक लिखना चाहें आप मार्क कर सकते हैं, बेहतर है आप यहाँ से शुरू करें। ठीक है, अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नंबर 6 की। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई कायद आजम वाज गिवन टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड हु गेव हिम द टाइटल। इसका जवाब ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में इसको कॉपी पे आप लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कराने से पहले पहले मैं आपको एमसीक्यूज करा दूं, निशान लगवा दूं, और उसके बाद फिर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताती हूँ। नंबर 1 का आंसर डी है, नंबर 2 का आंसर बी, नंबर 3 का आंसर 1913 सी, नंबर 4 का आंसर डी 1945 है, इसको सही कर लें, 46 नहीं है 45 है, नंबर 5 का आंसर डी दिल्ली, नंबर 6 का आंसर बी 1885, नंबर 7 का ए ढाका, नंबर 8 का अलहदा ऑप्शन है 1930, इसका ये ऑप्शन है, और नंबर 9 का जवाहरलाल नेहरू बी, उसके बाद नंबर 10 का बी 1942, नंबर 11 का सी 1920, नंबर 12 का सी 1886, नंबर 13 का 1916, नंबर 14 का बी 1913, नंबर 15 का बी 1799। इनको आप अच्छी तरह टिक लगा लें ताकि आपके आंसर साथ शुरू होते जाएं। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5 हैं, इनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और नंबर 2-3, इसका मैं आपको जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में मैं आपको इसकी स्क्रीन शेयर करूंगी। पहले आपको दिखा देती हूँ नंबर द लाहौर रेजुलेशन, आप इसको देख लें, इसको चाहे तो आप इसका क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैंने वीडियो साथ मिला पाई तो मैं आपको इसकी स्क्रीन शेयर करा दूंगी, तो आप उन लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा का पूरा पेज उसका फोटो कॉपी जो है ना वो करा दीजिएगा। ये देखें यहाँ से शुरू होता है, ये इसके नोट्स हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। सवाल नंबर 1, राइट अ नोट ऑन द लाहौर रेजुलेशन, फिर उसके बाद पैराग्राफ वाइज जो है ना मैं आप इसको, क्योंकि पूरी स्क्रीन पे ये नहीं आ सकता, मैं कोशिश करूंगी इसके बाद स्क्रीन शेयर कर सकी तो मैं कर दूंगी, वरना आप इस तरह आधे से स्क्रीन शॉट लेते जाएं। ये वाला सवाल नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद फिर यहां से यहां तक, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लें, शाबाश। उसके बाद यहां से यहां तक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।
हो गया, गुड। कोशिश करूंगी कि वीडियो के एंड पे इसके स्क्रीन जो है शेयर कर सकूं, अगर ना हो सका तो आप इसी को आधा आधा स्क्रीन शॉट लेके आप कॉपी इस पे लिख लें। क्वेश्चन लॉन्ग नंबर 2 है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान, इसका मैं आपको निशान लगवा देती हूँ। क्वेश्चन 2 लॉन्ग क्वेश्चन, उसका कैबिनेट मिशन प्लान का आप यहाँ से लेकर पेज नंबर 21 का, यहाँ से यहाँ एंड तक पूरा ये टॉपिक आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। इसको टिक निशान लगा लें, पूरा यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ तक ख़त्म होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इन लिस्ट एंड एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट इवेंट्स टेकिंग प्लेस फ्रॉम द 3rd जून प्लान टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसका भी जो है वो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये वाला यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से ले लें। फिर उसके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन। फिर उसके बाद सिंध के बाद ये बलूचिस्तान, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, गुड। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म इन इंडिया, इसका नंबर 4 का मैं आपको आंसर बता देती हूँ जल्दी से, इसका निशान लगा लें। ओके जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 23 सेकंड चैप्टर द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का लॉन्ग क्वेश्चन 4 यहां से शुरू करेंगे। आप चाहे तो इसको खुद ही शॉर्ट कर लें, आप लोग पढ़ के अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लेकिन इसका स्टार्ट ये यहां तक से होगा, यहां से लेकर यहां निशान लगा लें जल्दी तक पेज नंबर 23 पे। और उसके बाद ये पेज नंबर 24 का सारा, ये भी सारा आएगा, ये सारा यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक आएगा ये, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन नंबर 4 का पेज नंबर 24 ये सारा यहां तक आंसर आएगा, कायदे आजम रोल के ऊपर तक, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 5 की, लॉन्ग क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी आसान है, पेज नंबर 24 पे यहां से ये स्टार्ट होता है, ये सारा यहां तक और फिर पेज नंबर 25 जो है वो पूरा, ठीक है, ये यहां तक आपका पेज नंबर 25 पेज पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 की कोशिश करूंगी कि मैं आपको सवाल जवाब जो है वो निशानात उसके लगवा दूं। अच्छी तरह इसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि कोई नंबर आपके काट सके। कोशिश करती हूँ इसके वीडियो के एंड पे वो जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन की पिक्स दिखाई हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अगर ना हुआ फिर भी आपके पास उसके स्क्रीन शॉट तो हैं, वो देख लीजिएगा।